का भी अपना अलग महत्व है और उसका अनुभव तभी हो सकता है जब हम किसी ऐसी स्थिति में गुजरते हैं। ये मैनेजमेंट तुम्हें सिर्फ एक अंदाजा दे सकती है, मगर बैंक में कौन सा आदमी कहां से किस लिए आ रहा है और तुम्हें उनसे किस तरह से बचना है, इसका अंदाजा सिर्फ तुम लोग लगा सकते हो। ऑल राइट, ये है बैंक और इसमें होने वाले लोग। स्टार्ट। चला बैंक में भी गाना गा के भीख मांगता है। भाई साहब आपका फोन बज रहा है। गुड परफ्यूम यार, मजा आ रहा है। ऐसा लगता है खाली प्लेटफॉर्म पे भटक रहा हूँ। ए नेहा जी, ये सब भाई लोगों का है ना बैंक में लेके आना है, बहुत मजा आएगा इनके साथ में। आई टोल्ड यू ये प्लान नामुमकिन है ना, राइट? हमारी एक छोटी सी गलती से सारा प्लान बिखर के ढेर हो जाएगा जैसे कि अब हुआ है। इन कठपुतलियों के सामने हम कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में क्या करेंगे? हाँ नेहा जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तीन अंधे बैंक नहीं लूट सकते। इट्स इम्पॉसिबल, डू यू अंडरस्टैंड मी? इट्स इम्पॉसिबल। देखिए गोयनका साहब, 27 अक्टूबर को एकादशी है, उस दिन बैंक नए ऑफिस में शिफ्ट करेगा। 30 सालों से एकादशी की पूजा मैं ही करता आया हूं, अगर इस साल भी यहां की आखिरी पूजा मैं ही करूं तो ओके। ठीक है राजपूत, एकादशी की पूजा इस बार भी तुम ही करोगे, लेकिन याद रहे मिस्टर गोयनका, उस दिन एकादशी की ये जो बैंक की वार्षिक परंपरा है, इसे मैं कभी बिगड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। आई प्रॉमिस यू। साला दुकान भर के सपना देखा था, एक झटके शाम को जा रहा हूं मैं। कहां? हर स्टेशन पे मेरा एक एक बंगला है क्या? कहां पूछता है? तवायफ आखिरकार कहां बैठेगी? कोठे पे, अपना कोठा, लोकल ट्रेन। इलियास, ए इलियास, काहे को रोता है रे? हाँ हमने कोशिश तो की ना, क्या होगा, फिर से अपनी अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। दुख तो उस बेचारी का लगता है। अरे यार, ये फिर से नेहा की पतंग उड़ा रहा है यार, समझा इसको कोई नहीं। इलियास जरा सोच यार, उसका क्या होगा? सर सर, आपने देखा ना सर, मैंने पूरी कोशिश की सर, सर वो कोई कसर नहीं छोड़ी सर मैंने। पर सर, पिछले 30 सालों से एकादशी की पूजा मैं इस ऑफिस में करता रहा हूं सर। जी मिस्टर राजपूत, आपने देखा इलियास की एक गलती से? गलती मेरी है, आई एक्सेप्ट, पर इस पुराने ऑफिस में एकादशी की आखिरी पूजा है। हर साल की तरह इस साल भी मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं इस पूजा को करूं, बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। मिस्टर राजपूत, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मिस्टर विजय सिंह, और मानता हूं आपकी बात, ठीक है, इस साल भी एकादशी की पूजा आप ही करेंगे। नेहा, अब भी नहीं समझी तुम? उस दिन हेड ऑफिस में मैं भी रहूंगा। तो रन मूव मच मोर हियर, स्टे हियर। Do you have any idea? बैंक के किस हिस्से में खड़ी हो तुम? नहीं। Good. ये टोकन मशीन
काम नहीं कर रही है शायद। मैं वॉटर कूलर के सामने खड़ी हूं। अब मैं काउंटर नंबर 10 के सामने खड़ी हूं। मतलब आप वहां एकादशी की पूजा करने जाऊंगा और पूरी रॉबरी सुपरवाइज करने के बाद वापस आ जाऊंगा। रॉबरी खत्म होने के बाद ये तीनों मुझे बंदी बना करके वहां से भाग निकलेंगे और मैं खुद उन्हें सही सलामत यहां वापस ले आऊंगा। How's that? भाई साहब, ये नया अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म चाहिए, मिलेगा? श्योर, जस्ट अ मिनट। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, खास करके इसकी ये टोपी। ये पेंटिंग आपने कहाँ से खरीदा, ये बता सकते हैं? सॉरी, मुझे नहीं मालूम। या जस्ट अ मिनट, या फलाना फलाना जगह से खरीदी है। इट्स ओके, या आई विल वेट, या थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं रेजन रेजा कंपनी से हूँ। मुझे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स का फॉर्म चाहिए। आप काउंटर नंबर 1 पर चले जाइए, मिस्टर इंग्लैंड ने फॉर्म दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ओ पानी, वाटर कूलर उस कोने में। ओके। मुझे स्पोर्ट का पेन मिलेगा भाई साहब? पहले मुझे पढ़ने दीजिए, फिर मैं आपको देती हूँ। ए भाई साहब, ये क्या है, क्या है ये? हाँ, पीने का ग्लास है ना, इसमें इतनी धूल, व्हाट इज दिस यार? नाउ सॉरी। इस ब्रीफकेस में 6 फाइल्स रहेंगे। अरे आपको ये फाइल में इतना ज्यादा डालना पड़ेगा, पास नहीं आ रही है बहन जी। भाई साहब, ये आपका ब्रीफकेस बहुत अच्छा है, ये इंपोर्टेड है? जी हाँ। कहाँ से लिया? गन एक्सचेंज करते वक्त ये बहुत जरूरी पता है, कि... पता है, बात बात पे आप सलामत दिया करें। बैंक में जो कुछ करना हमने करना, आपने कुछ नहीं करना, और वैसे भी वो आपका आदमी रहेगा। वॉचमैन, सिक्योरिटी वैन पहुंच जाए तो मुझे बताना। ओ नेहा जी, मुझे इस में बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं कुछ और नहीं पहन सकता हूँ क्या? अर्जुन, तुम्हारे लिए पहनना बहुत जरूरी है। पर क्यों? Because it's a perfect alibi. कल किसी वजह से अगर तुम लोग पकड़े गए तो ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए कि वहाँ पे दो आदमी और एक औरत थे ना। Come on. अरे औरत? अर्जुन, now. Okay. Watchman बोलेगा, मैं आपकी मदद करता हूँ। Wrong अर्जुन, वॉचमैन को पूरी तरह से झुकने देना पहले, ओके? Come on. सब लोग काउंटर नंबर 9 और 10 के सामने आके खड़े हो जाओ, जल्दी। देखिए भाई साहब, प्लीज गोली मत चलाएगा। अगर कोई हिला, भून के रख दूंगा मैं। हिलेगा मत, कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं हिलेगा। Nobody will move. कोई नहीं हिलेगा। यू, यस यू, एक काम करो, मैं 10 तक गिनूंगा, उधर जाओ और कंटेनर लेके आओ और इस लाल रुमाल पे लाके रखो, वरना नंबर 1 शूट हिम। यस नंबर 2। कोई नहीं हिलेगा। ये हमारे कस्टमर्स की अमानत है, इसे प्लीज मत लेके जाइए। अमानत जमानत, ज्यादा बोला ना, खोल दूंगा खोपड़ी। नंबर 3, ये कंटेनर उठा के भाग चली जा, जल्दी, कोई हिलेगा नहीं।
देखिए देखिए, ये सारे के सारे जेवरात मार्क थे, इन्हें आप नहीं बेच सकते। हम शांति से बैठकर सौदा नहीं कर सकते? हाँ, आप मेरी बात सुनिए ना। हम सौदा करने को तैयार है, लेकिन हमारी आजादी के बदले में तुम